स्टूडेंट्स, आज का विषय है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसको डिग्री चेंज नाम से भी हम लोग जानते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री चेंज, इस विषय को अच्छा से समझने के लिए या जानने के लिए एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो अगर एडजेक्टिव के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लेलिस्ट में जाके एडजेक्टिव के बारे में पहले जानकारी ले लो, फिर इस वीडियो को देखो, बहुत इजी हो जाएगा। अब डिग्री चेंज, ये फास्ट पार्ट है। डिग्री चेंज में मैं सिखाऊंगा कि एक पॉजिटिव डिग्री, उसको कैसे हम लोग कंपैरेटिव कर सकते हैं, या पॉजिटिव डिग्री उसको कैसे सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो मैं 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक करके मैं ये सब डिस्कस करूँगा। तो ये है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 में मैं डिस्कस करूँगा एक पॉजिटिव डिग्री को कैसे कॉम्परेटिव किया जाता है उसके विषय में। पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूँगा एक पॉजिटिव डिग्री को कैसे फिर सुपरलेटिव किया जाता है उसके बारे में। और पार्ट 4 में मैं मिक्स्ड डिग्री चेंज सिखाऊँगा, जिसमें मान लो सुपरलेटिव से कैसे कॉम्परेटिव किया जाएगा या सुपरलेटिव से कैसे पॉजिटिव किया जाएगा, ये सब विषय के बारे में। तो ये फास्ट पार्ट है, इसके बाद बाकी पार्ट्स भी मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द। जैसे भाव का 3 पार्ट होता है या 3 फॉर्म होता है, भाव का 3 फॉर्म होता है, जैसे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, उसी तरीके से एक एडजेक्टिव का भी 3 फॉर्म होता है। वो है पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री किसको बोलेंगे? सी द डेफिनेशन। पॉजिटिव डिग्री इज द सिंपलीस्ट फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। कोई भी एडजेक्टिव का जो सिंपल फॉर्म या जो फास्ट फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही है पॉजिटिव डिग्री। एक्चुअली देखो, डिग्री का मतलब एक मात्रा, कि कोई भी चीज़ वो कितना मात्रा में है, कितना कम है, ज़्यादा है या मीडियम है, ये है डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कुछ एग्जांपल देखो, जैसे बिजी, गुड, स्मॉल, पुअर, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा, ये सभी है पॉजिटिव डिग्री और ये सभी एडजेक्टिव है। देखो, डिग्री सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का ही होता है, इस चीज़ को याद रखना। एग्जांपल, रोहन इज बिजी नाउ, रोहन अब व्यस्त है। तो एक सिंपल सा फॉर्म है कि रोहन इस वर्तमान में उसका क्या स्थिति है उसको दर्शाया जा रहा है। सेकंड देखो, नेपाल इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, नेपाल जो कंट्री है उसका डिस्क्रिप्शन है, कि सिंपली बताया गया कि हाँ वो एक सुंदर कंट्री है, इतना ही। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री इज द फॉर्म दैट कंपेयर्स टू पर्संस, प्लेसेस और थिंग्स। ये कॉम्परेटिव डिग्री वो होता है जो दो व्यक्ति हो, दो जगह हो या दो चीज़ों के बीच में एक तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। एग्जांपल, बिजियर, बेटर, स्मॉलर, पुअरर, मोर ब्यूटीफुल एट्सेट्रा। जैसे इससे पहले पॉजिटिव डिग्री में क्या था? बिजी, और इसमें क्या आया? बिजियर। पॉजिटिव डिग्री में था गुड, कॉम्परेटिव डिग्री में वो हो गया बेटर। इसी प्रकार से ये एग्जांपल्स मैंने दिया। फिर एग्जांपल देखो, रोहन इज बिजियर देन अक्रम, ये रोहन अक्रम से ज़्यादा बिजी है। तो यहाँ मैं रोहन और अक्रम दो व्यक्ति है, दोनों के बीच में एक कंपेयर कर रहा हूँ, जबकि पॉजिटिव डिग्री में ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं था, उसमें सिंपली बताया गया था कि रोहन बिजी है। लेकिन यहाँ देखो, कॉम्परेटिव डिग्री में रोहन अक्रम से ज़्यादा बिजी है, इस बात को समझा जा रहा है। तो यहाँ पे एक तुलना हो रहा है। नेक्स्ट, नेपाल इज मोर ब्यूटीफुल देन भूटान, मतलब नेपाल एक कंट्री है और भूटान एक कंट्री है, ये दोनों कंट्री के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन करने के लिए हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव डिग्री जो है मोर ब्यूटीफुल। तो इतना याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में
वो सिर्फ एक सिंपल फॉर्म है। कॉम्परेटिव डिग्री वो तुलना करेगा कोई भी दो वस्तु, व्यक्ति या चीज़ों के बीच में। नंबर थ्री, लेट अस सी नाउ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इज द फॉर्म दैट कंपेयर्स मोर देन टू पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा ही बहुत ज़्यादा पर्सन हो, प्लेस हो या व्यक्ति हो, इसके बीच में एक तुलना करता है। मतलब सुपरलेटिव डिग्री भी तुलना करता है, कंपेयर ज़रूर करता है, लेकिन वो दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में नहीं होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के साथ दूसरा कोई वस्तु का कंपैरिजन होता है। सिंपली इतना याद रखना है, कॉम्परेटिव डिग्री में दो व्यक्ति के बीच में तुलना होता है, या दो जगह के बीच में तुलना होगा, या दो वस्तु के बीच में तुलना होगा। मतलब कॉम्परेटिव डिग्री में हमेशा दो ही चीज़ होगा और उसी दोनों का बात होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री में एक के साथ बहुत सारा लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है। सुपरलेटिव डिग्री को देख के नहीं लगता है कि ये कंपैरिजन है, जबकि वो भी एक प्रकार का कंपैरिजन ही है। एग्जांपल देखो, बिजीएस्ट जो पॉजिटिव डिग्री में था बिजी, कंपैरेटिव डिग्री में था बिजियर, और सुपरलेटिव डिग्री में बिजीएस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, बेस्ट, स्मॉलेस्ट, पुअरेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। एग्जांपल, रोहन इज़ द बिजिएस्ट पर्सन इन माई विलेज। कि रोहन मेरे गांव में सबसे बिजी पर्सन है। यहाँ देखो, रोहन के साथ एक तुलना हो रहा है। किनके किनके साथ? रोहन और उस गांव का जितना भी पर्सन है सबका बात हो रहा है। मतलब एक साइड रोहन अकेला है और दूसरा साइड गांव का सारा लोग है। सेकंड, नेपाल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। कि नेपाल सबसे सुंदर कंट्री है वर्ल्ड में। तो यहाँ पे धरती का जितना भी कंट्री है सब कंट्री एक साइड है और नेपाल दूसरा साइड में है। मतलब उन्हीं जितना भी कंट्रीज है सब में से नेपाल सबसे अच्छा है, इसी बात को बताया गया। बहुत सारा एडजेक्टिव है, लेकिन सभी एडजेक्टिव का फॉर्म देना तो संभव नहीं है, बट कुछ एडजेक्टिव्स है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव फॉर्म याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ अब मैं कुछ फॉर्म्स दे चुका हूँ, इस फॉर्म को ज़रूर नोट डाउन कर लो और इसको बाय हार्ट भी ज़रूर करो, क्योंकि बाय हार्ट अगर नहीं रहेगा, मतलब याद करके नहीं रखोगे, तो जब डिग्री चेंज करोगे उस समय प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ नंबर वन से ऐसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ये सब याद होना चाहिए। ओके, तो ये फॉर्म्स को नोट डाउन ज़रूर कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आऊँगा बहुत जल्द, उसमें मैं सिखाऊँगा कि कैसे एक पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव या पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव किया जाता है, उसके बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।